चलिए इस जनाब, अब ज़रा बढ़ते हैं जी आगे मौसम के मिजाज के बाद। अब खबर ज़रा आपको सऊदी अरब से भी बताते हैं, क्योंकि सबकी नज़रें कल पूरे दिन सऊदी अरब पर रही और आज तमाम मरकजी रुयती हिलाल कमेटियों पर भारत के अंदर नज़रें रहेंगी, क्योंकि मामला ईद उल अज़हा का था और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर सऊदी हुकूमत की तरफ से ऐलान कर दिया गया है। सऊदी अरब में कल रात देर गए चांद नज़र आ गया है और इस तरीके से ईद उल अज़हा जो है 28 जून को सऊदी अरब में मनाई जाएगी। और कल जब ये ऐलान किया गया सऊदी अरब में, ज़िलहिज्जा का चांद 18 जून को नजर आ गया है और इसका मतलब यह है कि ईद उल अज़हा 28 जून को मनाई जाएगी, जबकि मनासिक हज जो सबसे अहम तरीन पहलू है, मनासिक हज 26 जून से शुरू होंगे और बाज़ाब्ता तौर पर यौम अरफा 27 जून को होगा। वाज़ह रहे कि 16 जून को सऊदी अरब ने तमाम ममलिकत के अंदर ज़िलहिज्जा के चांद को देखने के हवाले से मनादी कराई थी, जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर इसका ऐलान हुआ कि चांद नज़र आ गया है और अब 16 जून को सऊदी अब 18 जून को जब ये चांद नज़र आया तो 28 जून को ईद मनाई जाएगी सऊदी अरब में और 26 तारीख से यानी 26 जून से शुरू होगा जी यौम अरफा, 27 को 26 और 27 को मनासिक हज जो है वो देखे जाएंगे। इस सिलसिले में सऊदी अरब की तरफ से जब ये तय कर दिया गया तो अब आज का दिन चूंकि बड़ा इम्पॉर्टेंट है, जब ईद के हवाले से हम देखते हैं तो सऊदी अरब में 28 जून को ईद उल अज़हा का ऐलान किया गया और इसके बाद अब 29 जून को गालिबन इम्कान है कि भारत के अंदर भी मनाई जाए और इस सिलसिले में आज बतारीख 19 तारीख से बाज़ाब्ता तौर पर 19 जून को बाज़ाब्ता तौर पर भारत में भी चांद देखने की कोशिश की जाएगी और अगर चांद नज़र आया तो भारत में ईद उल अज़हा 29 जून को तय होगी या फिर 30 को भी हो सकती है। तो इस तरीके से आज का दिन जो है वो सबसे अहम रहेगा, क्योंकि रुयती हिलाल कमेटियां जो है वो ऐलान करेंगी और लेकिन सऊदी अरब की तरफ से ऐलान कर दिया गया, हज की तारीखों का ऐलान भी हो गया, ईद की तारीखों का भी ऐलान हो गया और इस सिलसिले में तमाम तर इंतज़ाम जो है वो सऊदी हुकूमत की तरफ से कर दिए गए हैं हज के हवाले से, हज 2023 के हवाले से, चाहे मिना हो, चाहे मदीना हो, चाहे मुजदलिफा हो, चाहे अरफात हो, हर जगह पर स्पेशल सिक्योरिटी टीमों के साथ साथ जो वॉलंटियर्स की एक बड़ी तादाद इस बार लगा दी गई है ताकि किसी तरीके की कोई गड़बड़ वहां पर देखने को ना मिले। सऊदी अरब ने ऐलान कर दिया, आज रात देर गए सबकी नज़रें रुयती हिलाल पर रहेंगी कि क्या भारत के अंदर भी और बरसगीर के अंदर भी चांद कहीं नज़र आता है या नहीं।